George. Happy Independence Day. वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश यू अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. तो आज का डे यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 9 और मैं उठ गया था मॉर्निंग में, बट मैं थोड़ा रेडी होने में लेट हो गया. और मैं चाहता था कि मैं फ्लैग होस्टिंग के लिए जाऊँ, बिकॉज यहाँ पर बहुत अमेजिंग तरीके से सजाया हुआ है नागपुर को आज. तो चलिए देखते हैं कैसे नागपुर को सजाया गया है और लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपना इंडिपेंडेंस. तो गाइज मैं आ गया हूँ फुटारा लेक पे, बिकॉज यहाँ पर बहुत चहल पहल है और यहाँ पर सही तरीके से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं. तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चल रहा है. नीचे बैठ जाइए. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलिस्तां हमारा. गाइज मैं फुटाला आया हूँ, तो एक बार फुटाला का टाइम लैप्स बनता है, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं आया था तब वो रात का टाइम था, प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा था. और ये जो पानी दिखता है पीछे, ये बहुत अमेजिंग टाइम लैप्स से निकलता है. तो मुझे लगा एक टाइम लैप्स लेना चाहिए, तो जल्दी से एक टाइम लैप्स स्टार्ट करते हैं. गाइज मैं वापस आ गया हूँ, बिकॉज आज इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ राखी भी है और मुझे राखी बनवानी है अपने सिस्टर से. मुझे बहुत अच्छा लगा कि यूथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है इंडिपेंडेंस डे, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस वजह से मैंने बहुत अच्छे से फुटेज नहीं ले पाया. एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सबसे, बिकॉज क्या होता है कि दिन में बहुत पेट्रियटिज्म जाग जाता है लोगों में और बहुत अच्छे से फ्लैग लेके घूमते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. बट शाम होते होते मैंने काफ़ी सालों से देख रहा हूँ कि फ्लैग यहाँ वहाँ पड़ा हुआ होता है. बट गाइज हमारे नेशनल फ्लैग की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और यहाँ वहाँ मत फेंकिए. जब आप परचेस करते हैं तब उसको बहुत अच्छे से आप फोटो वोटो क्लिक कराते हैं एंड सोशल मीडिया में स्प्रेड करते हैं, बट शाम होते होते उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती है. तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने जो इंडियन फ्लैग आपने परचेस किया हुआ है या रखा हुआ है उसकी रिस्पेक्ट करें और उसको एक रिस्पेक्टिव प्लेस पर रखें. बस इसी के साथ मैं अभी राखी बनवाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ. तो गाइज मैं आ गया हूँ अपने बुआ के घर में, बिकॉज मेरी सिस्टर मुझे राखी बांधने वाली है. तो गिफ्ट उफ्ट चाहिए कुछ? अरे यार शक्ल नहीं दिखाना. अरे शक्ल क्यों नहीं दिखाना है? तू कैसे भी दिख जाएगी. वैसे मेरे सिस्टर का भी गेनिंग चल रहा है, तो आप लोग माइंड मत करिएगा कि मैं एक फिटनेस फ्रीक की बहन कैसे हेल्दी दिख रही है. तभी उसका गेनिंग करा रहा है, रिपिंग स्टार्ट होने वाला है. लास्ट 20 इयर्स से गेनिंग कर रही है उसका, लास्ट 20 इयर्स से. और ये है काया, खा रही है लड्डू. तो ये भी गेनिंग पे ही है, स्टार्ट कर दिया इसने भी गेनिंग अच्छे से. तो राखी बंधवाते हैं जल्दी. राखी बांधना, भूख लगी हुई. चिल्लर नहीं है, 50 का नहीं है वो. माइंड का 50 का, 50 रुपए दिख रहे तेरे को. 50 रुपए तो बस सारे फंक्शन हो गए, इंडिपेंडेंस डे भी मना लिया, राखी भी हो गई. तो अब मैंने सोचा कि घर पे रह के क्या करना बेटर, मैं अपने स्टोर पे जाता हूँ. और मैं सोच रहा था कि सैक्रेड गेम 2 रिलीज़ हो गया है, तो आप लोगों ने देखा क्या मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना. और पता नहीं मेरा जो नेटफ्लिक्स आईडी है वो बराबर चल नहीं रहा था, कुछ तो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसमें. तो मैंने पोस्ट डाला हुआ था मेरे बेस्ट फ्रेंड को, दीपेश अगर ये वीडियो देख रहा है तो अपनी आईडी दे दे. तो मैं उसको बोल रहा था कि मुझे आईडी दे दे, तो अभी तक दिया नहीं. तो मैंने ये पोस्ट इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, तो सैफ करके एक फॉलोअर है और अच्छी बातचीत होती रहती है सैफ से. तो सैफ ने मुझे आईडी दिया हुआ है कि सर आप देख लो. तो थैंक्स अ लॉट सैफ कि आपने मुझे आईडी दिया. अब मैं देख के वापस भी कर दूंगा, बिकॉज ये सीरीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप लोग भी एक्साइटेड है सैक्रेड गेम 2 के लिए और अगर आपने देख लिया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा. तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट स्टोर पे. तो गाइस मैंने वीडियो मॉर्निंग में इसलिए एंड नहीं किया था, बिकॉज रात का एक अमेजिंग चीज़ आप लोगों को दिखानी है. बिकॉज हमारा जो रेलवे स्टेशन है और जो ब्रिज है उसको बहुत अच्छे से सजाया गया हुआ है. तो मैंने जे जे को फिर से बुला लिया. मॉर्निंग में आ नहीं पाया था बिकॉज राखी का फंक्शन था ऑब्वियसली. तो मैंने मॉर्निंग में जितना हो पाया मुझसे उतना व्लॉग किया. और अभी चल रहे हैं रेलवे स्टेशन देखने के लिए. मैं रात का वेट कर रहा था ताकि सारी लाइट जल जाए और बहुत अमेजिंग सा एक सीन मिले, बिकॉज उसके बिना ये व्लॉग अधूरा रहता. तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं रेलवे स्टेशन और वहाँ पर जाके देखते कैसे सजाया हुआ है, बिकॉज मुझे बहुत सारे फोटोज आए हुए हैं और उन्होंने बताया कि बहुत अमेजिंग तरीके से उसको डेकोरेट किया हुआ है. तो डायरेक्ट मिलते हैं रेलवे स्टेशन.
तो गाइस हम लोग पहुंच गए राम झूला में। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से लाइटिंग किया हुआ है, बहुत सारे लाइट्स लगाए हुए हैं और विनू है मेरे साथ। तो हम लोग ने सोचा एक टाइम लैप्स लेते हैं और फिर चलते हैं स्टेशन। गाइज आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस। जय हिंद।